केवल यहाँ पर एक ही जाति है, वो है ब्राह्मण। बाकी सब हिंदू नहीं है, ना वैश्य हिंदू है, न क्षत्रिय हिंदू है, न शूद्र हिंदू है, लेकिन उनको हिंदू बनाकर ये उनको देश को संकुचित कराना चाहते हैं। जितनी डिक्टेटर तानाशाही ये गवर्नमेंट कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं, ये सब आरएसएस के कहने से कर रहे हैं। और सावरकर वीर पूंजीपति थे, पूंजीवाद के समर्थक थे। जब नया संविधान बनेगा तो उन्होंने कथावाचकों को छोड़ रखा है, और जितने भी कथावाचक हैं उनसे बोल दिया गया है कि तुम हिंदू राष्ट्र की मांग करो। उनको तो वीर कहा गया है हिंदुओं के द्वारा। वो हिंदुओं के वीर इसलिए हैं क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र की बात करते थे, छुआछूत की बात करते थे, ऊंच नीच की बात करते थे, पूंजीवाद की बात करते थे, इसलिए उनको सावरकर वीर बताया। भंते जी, 28 तारीख को जिस दिन सावरकर की जयंती है, मतलब जन्मदिन मनाया जाता है, उस दिन जो है नई संसद का उद्घाटन करेगी मोदी सरकार। हाँ, ऐसा मैंने भी सुना है कि 28 तारीख को सावरकर के जन्मदिन पर मोदी जी नए संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये क्यों करने जा रहे हैं? इसका मेन कारण है कि सावरकर जी हिंदू राष्ट्र के बहुत बड़े समर्थक थे, और ये सब आरएसएस के एजेंडा से चल रहा है। गवर्नमेंट इसमें कुछ भी नहीं कर रही है, न कोई संसद कर रहा है संसद सदस्य, सारा का सारा एजेंडा नागपुर से, भगवत जी के यहाँ से। कौन से भगवत जी हैं? मोहन भागवत जी। मोहन भागवत जी के यहाँ से बन रहा है, और वो ये बन रहा है कि नई संसद में नया संविधान होगा, नई गवर्नमेंट होगी, नया विधान होगा, नए तरीके के कानून होंगे, और ये जो कुछ भी हो रहा है ये सावरकर जो है सबसे बड़े हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र और आरएसएस के भी प्रवर्तक थे, और ये सब डॉक्टर अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को अवहेलना करते हुए सारा का सारा कार्य वो अपने तरीके से अपनी मौज मस्ती के लिए कर रहे हैं। और जितनी डिक्टेटर्स और तानाशाही ये गवर्नमेंट कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं, ये सब आरएसएस के कहने से कर रहे हैं। और ये जब नया संविधान बनेगा तो उन्होंने कथावाचकों को छोड़ रखा है, और जितने भी कथावाचक हैं उनसे बोल दिया गया है कि तुम हिंदू राष्ट्र की मांग करो, मनुस्मृति लागू करने की बात करो, और पूरे देश में जा जाकर ये प्रचार करो कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये देश किसी एक जाति का नहीं है, किसी एक संप्रदाय का नहीं है, किसी एक धर्म का नहीं है, ये देश धर्म निरपेक्ष है। पहले हिंदू राष्ट्र नेपाल था, और नेपाल के व्यक्तियों ने इस बात को माना है कि जब तक हिंदू राष्ट्र नेपाल रहा, पूरा का पूरा देश कंगाल हो गया था, भिखारी हो गया था, उसकी कोई मदद नहीं करता था। लेकिन जब से उन्होंने लोकतंत्र की प्रणाली शुरू करी है, जब तक उन्होंने लोकतंत्र को लागू किया है, तब से सारे दुनिया के देश उनकी मदद के लिए आगे आ गए हैं। बांग्लादेश आगे आया है, पाकिस्तान आगे आया है, चाइना आगे आया है, अमेरिका आगे आया है, सारे पूरे यूरोप कंट्री उसके समर्थन में आए हैं। जब ये देश हिंदू राष्ट्र रहेगा तो ये कुछ क्षेत्र तक सिमट कर रह जाएगा, और कुछ क्षेत्र समझ कर रह जाएगा तो ईसाई कहेंगे हे फ्रांस उसकी मदद मत करना, और ईसाई कहेंगे अमेरिका से कि भारत की मदद मत करना। जब इनकी भारत की मदद नहीं होगी ये भारत अकेला रह जाएगा। और मैं तो ऐसा मानता हूँ, हिंदू राष्ट्र बनाना तो अलग बात है, ये यदि बनाना चाहते हैं एक गांव भी हिंदू नहीं बना सकते। किसी भी गांव में कोई हिंदू दिखाई नहीं देता, मुझे ब्राह्मण दिखाई देता है, मुझे क्षत्रिय दिखाई देता है, मुझे वैश्य दिखाई देता है, मुझे शूद्र दिखाई देता है, मुझे नाई दिखाई देता है, धोबी धानुक कहार लोहार
तेली तमोली पाछी काची अहिर गड़रिया दिखाई देते हैं, वहाँ पर एक भी हिंदू दिखाई नहीं देता। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर जो बेटियाँ बैठी हैं वो क्या हिंदू नहीं है? भागवत चुप है, भागवती चुप नहीं है, आरएसएस चुप है, बजरंग दल चुप है, क्या ये हिंदू बेटियां नहीं है? और ये हिंदू बेटियां जो थी क्या एक जाति के लिए, क्या एक धर्म के लिए गोल्ड मेडल लाई थी? ये पूरे देश के इन्होंने सर ऊंचा किया, इन्होंने तिरंगा को ऊंचा किया, इन्होंने तिरंगा का नाम ऊंचा किया, इन्होंने देश का नाम ऊंचा किया, लेकिन ये लोग यहाँ पर नहीं आ रहे। जब यहाँ पर वोट का काम आता है तो सब हिंदू हो जाते हैं, जब अधिकारों की बात आती है तो ये जातियों में बंट जाते हैं, जब यहाँ पर वोट देने की बात आती है तो हिंदू हिंदू करके मुसलमानों से लड़ाने का काम करते हैं, ईसाइयों से लड़ाने का काम करते हैं, सिखों से लड़ाने का काम करते हैं। ये इनका ऐसा तरीका है। अब इनका ये तरीका फेल हो गया, इनका राम मंदिर भी बन गया, राम मंदिर का तरीका भी फेल हो गया, हिंदू हिंदू का तरीका भी फेल हो गया, अब तीसरा तरीका शुरू हो गया कि हिंदू राष्ट्र बनाओ। हिंदू राष्ट्र के नाम पर हिंदू कुछ एकीकरण होंगे, लेकिन इनको नहीं भूल जाना चाहिए हिंदू केवल यहां पर एक ही जाति है, वो है ब्राह्मण, बाकी सब हिंदू नहीं है। ना वैश्य हिंदू है, न क्षत्रिय हिंदू है, न शूद्र हिंदू है, लेकिन उनको हिंदू बनाकर ये उनको देश को संकुचित कराना चाहते हैं। ये हिंदू राष्ट्र बनाकर ये धर्मनिरपेक्षता को कुचलना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाकर लोकतंत्र को कुचलना चाहते हैं। जब ये हिंदू राष्ट्र बनेगा तो ये देश पूरा संकुचित हो जाएगा। यहाँ पर तमिलनाडु राष्ट्र अलग बनेगा, यहाँ पर महाराष्ट्र राष्ट्र अलग बनाएंगे लोग, यहाँ पर केरला राज्य अलग बनेगा। अरे देश के बेईमान लोगों, देश के टुकड़े टुकड़े मत करो। अरे तुम पर धीरेन्द्र शास्त्री, तुम पर पर्ची आती है, एक पर्ची ये भी बता दो कि वो ट्रक भर के बारूद कहाँ से आई? पूछो। नई संसद का उद्घाटन कर रहे हैं पीएम मोदी साहब, राष्ट्रपति को नहीं बुलाया है, पूर्व राष्ट्रपति को नहीं बुलाया है, कह रहे हैं कि वो आदिवासी महिला इसलिए नहीं बुला रहे हैं उसको। ये मुर्मू को नहीं बुलाना, पुराने राष्ट्रपति को नहीं बुलाना, ये पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों का अपमान है, ये अंबेडकर के मानने वालों का अपमान है। लेकिन जब इनको जरूरत पड़ती है तो कहते हैं ये दलित नेता है, ये दलित राष्ट्रपति है। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदू राष्ट्रपति है, हिंदू राष्ट्रपति नहीं बताएंगे, ये दलित राष्ट्रपति बनाएंगे, और दलित राष्ट्रपति बनाएंगे लेकिन दलित प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे। दलित प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि सारे अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर और सारे अधिकार वो प्रधानमंत्री के पास हैं। ये चुनकर लाते हैं, कहाँ से पकड़ के लाते हैं ये भी पता नहीं है। मुर्मू को कोई जानता नहीं था, को रामनाथ कोविंद को कोई जानता नहीं था, पकड़ पकड़ के ले आते हैं ताकि एक भी शब्द न बोले, और हम जो भी रेजुलेशन लाएं, जो भी पिस्ता पास करके लाएं, आंख मीच कर उस पर मोहर लगा दे वो पास हो जाए, चाहे एट्रोसिटी का एक्ट हो, चाहे आरक्षण खत्म करना हो, चाहे देश में जाटों का आरक्षण खत्म करना हो, गुंजरों का आरक्षण खत्म करना हो, तो बस राष्ट्रपति उस पर मोहर लगा दे और इनको अलग कर दे। लेकिन सावरकर तो जो है आंदोलनकारी रहे हैं, अंग्रेजों से लोहा लिया था उन्होंने, जेल में रहे थे काले पानी की। सावरकर ने कोई लोहा नहीं लिया, सावरकर ने माफी मांगी, सावरकर ने हस्ताक्षर किए, वो अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेजों का पेशकार था, उसने कोई लड़ाई नहीं लड़ी और उसने केवल अंग्रेजों से कोई लड़ाई नहीं लड़ी, एक भी आरएसएस का आदमी जेल नहीं गया, सारे के सारे जेल गए तो उसमें सबसे ज्यादा मुसलमान जेल गए। उनको तो वीर कहा गया है हिंदुओं के द्वारा। वो हिंदुओं के वीर इसलिए हैं क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र की बात करते थे, छुआछूत की बात करते थे, ऊंच नीच की बात करते थे, पूंजीवाद की बात करते थे, इसलिए उनको सावरकर वीर बताया। और सावरकर वीर पूंजीपति थे, पूंजीवाद के समर्थक थे, वो जातिवाद के समर्थक थे, छुआछूत के समर्थक थे, हिंदू राष्ट्र के समर्थक थे, इसलिए उनको सावरकर को वीर कुछ लोगों ने बता दिया। मोदी सरकार 21 जून को जो है योग दिवस मनाती है और उस दिन जो है हेडगेवार का जन्मदिन होता है, सावरकर के नाम पर संसद का उद्घाटन कर रहे हैं, 21 तारीख को योग दिवस ले आए, ये आखिर ये जो मुर्दों की उखाड़ रही क्या करेंगे? वो सब कुछ बनाएंगे, जाट है,
जाट कहता है मैं हिंदू हूँ, मुझसे बड़ा हिंदू कोई नहीं, मुझसे नीचा अहीर है, अहीर कहता है मुझसे नीचा जो पटेल है, पटेल कहता है मुझसे नीचा कुर्मी है, कुर्मी कहता है मुझसे नीचा जाटव है। जब इनमें कहने के लिए हिंदू हैं, जब सब में इस तरह का जातिवाद रहेगा तो कैसे होगा भाई, कैसे होगा मुझे बताओ आप। मतलब देश तरक्की नहीं कर रहा है, मोदी जी तो 3 देश घूम करके आए हैं। अरे देश इतना तरक्की कर रहा है, वो जापान घूम रहा है, हमारी बिटिया यहाँ सड़क पर बैठी हैं। वो इतना तरक्की कर रहा है कि 50 रुपया लीटर पेट्रोल था, आज 110 रुपया पेट्रोल हो गया। आज वो इतनी तरक्की कर रहा है कि रेल बेच रहा है, भेल बेच रहा है, तेल बेच रहा है, DRDO बेच रहा है, BHL बेच रहा है, BSNL बेच रहा है, LIC बेच रहा है, बैंक बेच रहा है। अरे इससे बड़ा देश की तरक्की और क्या होगी, पूरे देश की संपत्ति बिक गई, पूरा जो 265 टन सोना था वो गिरवी रख दिया। जब देश में किसी आदमी के घर में परेशानी आती है तो वो अपने पत्नी के जेवर जब बेचता है, जब बहुत मुसीबत आती है, इन्होंने पूरा देश बेच दिया, कोई मुसीबत नहीं आई। नोट बंद कर दिया मोदी जी, 2000 नोट का बंद छोड़िए, इन्होंने RBI से अरबों करोड़ों लाख रुपया लोन लेकर वो अडानी और अंबानी को दे दिया, वो मालदार कर दिए। ये 2 घरानों के लिए जर रहे हैं, एक अडानी और एक अंबानी, और सभी गुजराती हैं। इन्हें केवल 2 परिवारों की सूची है, पूरा देश भूखमरी के कगार पर चला गया है, पूरे देश में बेरोजगारी हो गई है, पूरे देश में नौजवान घूम रहे हैं, पूरे देश में किसान आत्महत्या कर रहा है, पूरे देश में आप देख रहे हैं पहलवानों के साथ क्या हो रहा है, हमारी बहन बेटियां यहां पर बैठी हैं। मैं इस अवसर पर कहना चाहूँगा पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों से, पूरे देश के किसानों से, पूरे देश के मजदूरों से, पूरे देश के जाटों से, पूरे देश के यादवों से, पूरे देश के कुर्मियों से, आओ और इन बहनों के सम्मान में जंतर मंतर पर आओ और इनके सम्मान को बचाने के लिए, इनके सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग यहाँ पर आइए। लेकिन धीरेन्द्र बाबा के जो दरबार बढ़ते जा रहे हैं, दिल्ली में होगा फिर ग्रेटर नोएडा में होगा, 4-4 दिन का कैंप उनका। देखिए धीरेन्द्र, वाई फाइनेंसर गवर्नमेंट BJP गवर्नमेंट है, वो फाइनेंसर बाबा है, गवर्नमेंट के द्वारा उसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, चाहे देवकी नंदन हो, चाहे धीरेन्द्र हो, चाहे और कथावाचक हो, उन सारे के सारे लोगों को कह दिया है तुम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करो। यदि वो हिंदू होते और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते तो हिंदू बेटियां यहां पर बैठी हैं, उनके समर्थन में भी आते। भागवत हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, सबसे बड़े पैरोकार बनती RSS, उनको यहां आना चाहिए था, लेकिन वो आ नहीं रहे क्योंकि ये जाट समाज की लड़कियां हैं, और ये जाट समाज की लड़कियां ये जो गोल्ड मेडल लाई, किसी एक जाति के लिए नहीं लाई, किसी एक वर्ग के लिए नहीं लाई, पूरे देश के लिए लाई, देश का नाम ऊंचा किया, लेकिन ये देश बटा हुआ है। जब यहाँ बहुजन समाज के लोगों की समझ में आएगा, दलित समाज की समझ में आएगा, जाटों की समझ में आएगा, गुंजरों की समझ में आएगा, यादवों की समझ में आएगा कि तुम हिंदू नहीं हो, केवल तुम गुजर हो, केवल तुम यादव हो, केवल तुम धोबी हो, केवल तुम धानुक हो। आपको बताऊं, जब यहाँ पर मंदिर का निर्माण कमेटी बनी, 3 बैकवर्ड के बच्चे मरे, लेकिन एक को भी उसमें नहीं रखा गया। बजरंग दल के सबसे बड़ा जो कटियार जी हैं, विनय कटियार, सबसे बड़ा बड़े नेता बनते हैं कि मैं 100 बार जाऊंगा, लेकिन विनय कटियार को भी उस न्यास में, उस ट्रस्ट में विजय कटियार को भी नहीं रखा गया, उमा भारती को भी नहीं रखा गया, कल्याण सिंह को भी नहीं रखा गया। अरे तुम कैसे हिंदू हो, तुम हिंदू नहीं हो, तुम बैकवर्ड हो, तुम OBC हो, केवल तुम एजेंट बनकर इनका काम करते हो और तमाम बैकवर्ड को कमजोर करने का काम करते हो, तमाम बैकवर्ड और OBC को कमजोर करने का काम करते हो इनके साथ में रहके। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।